कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज सिंह पर कोटवाल आलमपुर गांव में मकान पर कब्जा करने का बड़ा आरोप लगा है। ग्रामीणों ने राज सिंह पर आरोप लगाते हुए बताया कि वो गांव में एक दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ पहुंचे, जहां पर वो एक ग्रामीण के घर में घुस गए और गाली गलौज और बदतमीजी करने लगे, जिसके बाद पीड़ित ग्रामीणों की तरफ से विरोध किया गया तो नेताजी के गुर्गों ने ग्रामीण के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं देखते ही देखते गाँव के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और राज सिंह और उनके गुर्गों का घेराव कर लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया है। वहीं पीड़ित ग्रामीण ने वरिष्ठ नेता राज सिंह से जान का खतरा और जान से मारने की धमकी देना बताया है। जबरिया पुलिस को इस मामले में तहरीर भी दी है, जिसके बाद पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो रुड़की का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों का मकान कब्जाने का आरोप लगा हुआ है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये बताए जा रहे हैं जिन पर यह आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। साथ ही साथ ग्रामीणों का कहना है कि उनके मकान पर कब्जा किया है, साथ ही साथ गुर्गे उनके साथ मारपीट भी करते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सुभाष मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, रुड़की मामला बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राजकुमार, उनका पूरी तरीके से इस मामले में नाम आ रहा है। और ये कहा जा रहा है, ग्रामीण द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि मकान कब्जाने की वो कोशिश उन ग्रामीणों का लगातार पिछले लंबे समय से कर रहे थे, और कुल मिला के कहा जा सकता है कि अपने साथ कहीं समर्थक लेकर वो उनके मकान कब्जाने पहुंचे थे, जिसके बाद जो ग्रामीण है उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, इनमें आपसी मुठभेड़ भी, और यही वजह है कि इसके बाद इस मामले को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और पुलिस इसमें बीच बचाव के लिए पहुंची है। कुल मिला के कहा जा सकता है कोतवाली रुड़की का ये पूरा मामला है, पुलिस इस पर पूरी तरीके से जांच कर रही है और जो भी बड़ी कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाती है वो जांच के बाद की जाएगी। जी बिल्कुल सुभाष, देखा जाए तो ये जो दौर है वो चुनावों का दौर है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर इस तरह के आरोप लगना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि भले ही तमाम दावे तमाम वादे किए जाते हों, लेकिन अगर निचले स्तर पर देखा जाए तो ग्रामीण कहीं ना कहीं ऐसे कई नेताओं से प्रताड़ित होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि जनता के बीच वो अपनी पैठ बनाए, अपनी स्थिति सुधारे, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की हरकतें नेताओं की कहीं ना कहीं पार्टी को इसका नुकसान जरूर होगा, क्योंकि जनता के बीच जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो जाएंगे वोट मांगेंगे, लेकिन जब वोट मांगा जाएगा उस समय जनता इस तरीके के आरोप लगाएगी, जनता अपनी बात उन लोगों से कहेगी, तो कहा जा सकता है कि इसका खामियाजा पार्टी को भी भुगतना पड़ सकता है। और कुल मिला के कहा जा सकता है कि जैसे ही इस पर कोई कार्रवाई की जाती है पुलिस द्वारा, जांच रिपोर्ट पुलिस पूरी तरीके से सौंपती है, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी स्तर पर भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। जी बिल्कुल सुभाष, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो रुड़की का ये पूरा मामला है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके मकान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कब्जा कर रहे हैं, साथ ही साथ जब वो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो यहां नेता के जो गुर्गे हैं वो मारपिटाई शुरू कर देते हैं। तो रुड़की की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप ये है कि ग्रामीणों के मकानों पर ये नेता कब्जा कर रहे हैं अपने गुर्गों के साथ मिलकर।